एक वक्त था जब भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह के दोस्त ज़्यादा और दुश्मन कम हुआ करते थे, लेकिन आज इसका दुश्मनों की संख्या बढ़ चुकी है और दोस्त नाम मात्र के रह गए हैं। हम आपको यहाँ ये बता दें कि अक्षरा सिंह के भोजपुरी में भले ही कई दुश्मन हों, लेकिन तीन ऐसे बड़े कट्टर दुश्मन हैं इनके, जो इनके कैरियर को चौपट करने का मादा रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनके दुश्मन नंबर वन की। उनके दुश्मन नंबर वन कोई और नहीं, पवन सिंह है। जी हाँ, पवन सिंह से कभी इतने नज़दीक रिश्ते थे अक्षरा सिंह के, उनके बगैर तो उनकी सुबह और शाम नहीं होती थी। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि न मुँह देखेंगे सनम और न दिखाएंगे, यानी कि इन दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि ये दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। वजह, पवन सिंह की शादी। खैर, ये सभी को पता है अक्षरा और पवन की दुश्मनी के बारे में कि अक्षरा के लिस्ट में और पवन के लिस्ट में दुश्मन नंबर वन अगर रखा जाए तो अक्षरा के लिस्ट में पवन सिंह और पवन सिंह के लिस्ट में अक्षरा सिंह होंगी। लेकिन नंबर दो की बात करते हैं, थोड़ा सुन के आप चौंक जाएंगे। इनकी दुश्मन नंबर वन से भी खतरनाक इनके दुश्मन नंबर टू हैं। जी हाँ, इनकी दुश्मन नंबर टू हैं काजल राघवानी, जो कि दुश्मन नंबर वन से भी खतरनाक है। वो इसलिए कि काजल राघवानी कतई नहीं चाहती कि अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के साथ काम करे। तभी तो बबुआ बवाली करके फिल्म आ रही थी, जिसे लेकर अक्षरा और खेसारी के नाम का अनाउंसमेंट भी हो चुका था। लेकिन अब सुनने में आया है कि ये फिल्म सेल हो चुकी है, यानी कि ये फिल्म अब नहीं बनेगी। और अगर बनती भी है तो हो सकता है कि इसमें हीरोइन अक्षरा सिंह या फिर हीरो खेसारी लाल यादव ना रहे। इसके पीछे एक और बड़ी वजह बताई जाती है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी नहीं चाहती कि अक्षरा सिंह के साथ खेसारी वापस काम करे। और अब आगे की बात करें तो भाई, काजल और अक्षरा में कभी नहीं जमी। न काजल ने अक्षरा को पसंद किया। हाँ, ये बात और है कि ये दोनों ने कभी खुलकर अपनी दुश्मनी को जग जाहिर नहीं किया, लेकिन सोर्सेस बताते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती। वजह, इनके पीछे ये बताई जाती है कि जितनी सिंपल एंड सोबर तरीके से काजल राघवानी सेट पर रहती हैं, उतने ही टैंट्रम क्वीन है अक्षरा सिंह। जी हाँ, अक्षरा सिंह के नखरों की दुकान इतनी ज़्यादा है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन ये बात और है कि पवन सिंह का साथ छूटने के बाद लोग कहते हैं कि अक्षरा सिंह में काफ़ी बदलाव। अब बात करते हैं दुश्मन नंबर तीन की। तो अब आप ये सोच रहे हैं, कहीं हम पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का नाम तो नहीं लेने वाले हैं। जी हाँ, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव, ये दोनों अक्षरा के दुश्मन नंबर तीन की पायदान पर सबसे फिट बैठते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि इन दोनों की पत्नियाँ, खेसारी और पवन की पत्नियाँ, अक्षरा सिंह को बिल्कुल नहीं पसंद करती, जिसे देखकर ये लगता है कि भोजपुरी के दो सुपरस्टार की पत्नियों को अक्षरा सिंह में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अक्षरा सिंह को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।